तो कैसे हैं आप लोग। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूँ। ब्राह्मी स्कूटनी परिणाम को कैसे देखना है, आपके सारे सवालों के जवाब मैं इसमें देने जा रहा हूँ। रिजल्ट नो चेंज का मतलब क्या है, रिजल्ट अवेटिंग का मतलब क्या है, रिजल्ट पेंडिंग से हो रहा है क्या मतलब है, आपके सारे सवालों का जवाब यहाँ पर देने जा रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा जोर देखिएगा, स्किप कीजिएगा, फिर आपका जवाब नहीं मिल पाएगा तो पूरा वीडियो को देखिएगा। जो भी लाइव जुड़ रहे हैं अधिक से अधिक वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि सभी लोगों की ये प्रॉब्लम खत्म हो सके। यहां पर मैं बिल्कुल एक एक को दिखाऊंगा सब कुछ यहां पे, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपके सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पे दिया जा रहा है। बाकी पे आप कमेंट कितना भी करो, कोई आपको रिप्लाई नहीं देने जा रहा। तो सबसे पहले जो टेंशन में है उनको टेंशन यहाँ पे खत्म हो जाने की जरूरत है, कि सबसे पहले मैं न्यूज़ दिखा देता हूँ जल्दी से कि ब्राह्मी स्कूटनी परिणाम जारी होंगे किस्तों में। ये आपको पहले ही मैं दिखा देगा, लेकिन फिर भी आप अगर नहीं देखे हैं तो जल्दी से देख लीजिए कि यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मार्क्स चेक करने होंगे। जो मेन टॉपिक की बात है यहाँ, आपके मार्क्स चेक करने होंगे। अगर मार्क्स बढ़ता है या घटता है तो स्कूटनी का परिणाम उनका आ गया है। अगर मार्क्स घट रहा है या बढ़ रहा है तो ही आपका परिणाम आया, क्योंकि सभी का परिणाम एक साथ नहीं आया। यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए, और जिस स्टूडेंट का रिजल्ट पेंडिंग या वेटिंग में आ रहा है वो घबराए नहीं, उनका मार्क्स अपलोड हो जाएगा आने वाले कुछ दिनों में, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कि अभी पूरी तरह से स्कूटनी का परिणाम जारी नहीं किया गया है। जिनके मार्क्स नहीं बढ़े हैं वो घबराए नहीं और ना ही मायूस हो। आपकी पूरा देखिएगा, लाइव पूरा चलेगा अभी 10 मिनट तक, पूरा कमेंट आप लोग का सब शामिल करूंगा इसमें, क्योंकि अभी बिहार बोर्ड कंपार्टमेंट और स्पेशल परीक्षा के दो मौके दोगी। स्कूटनी परिणाम इस बार काफ़ी मार्क्स बढ़े हैं, मार्क्स 20, 30, 40, 50, 40 का लास्ट वीडियो में दिखाया था और 50 वाला का भी इसमें दिखाने जा रहा हूँ तक इजाफा हो गया है, जिसमें कुछ छात्र खुश भी हैं, ठीक है। यहाँ पे मेन चीज़ यहाँ ये देख लीजिए, ज्ञात हो कि जल्द ही कॉलेज में स्नातक के नामांकन शुरू हो जाएंगे और बिहार बोर्ड ने इसको देखते हुए स्कूटनी परिणाम जारी किए हैं ताकि छात्र अपने मनपसंद कॉलेज में नामांकन करा सके। हालांकि पूरी तरह स्कूटनी परिणाम जो है वो 10 जुलाई तक जारी किए जाएंगे, यानी अभी आपको 10 जुलाई तक वेट करना है। और पूरा वीडियो जरूर देखिए, इसमें छात्र धैर्य रखें, बिल्कुल पैसेंस की जरूरत है। आप लोग इतने डिप्रेस हो जाते हो ना, डिप्रेशन से कुछ नहीं होगा बाबू, बिल्कुल आपको पैसेंस रखना है। 10 जुलाई तक जारी किए जाएंगे, छात्र लगातार ऑफिशियल साइट विजिट करें। अब ले लेते हैं आपके सवालों का जवाब, और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सी साइट पर जाकर देख सकते हैं अगर आपका आप जो स्कूटनी किए थे वो खो गया है तो आप क्या करें। एक एक सवाल का जवाब दे दूंगा, इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका कोई भी सवाल नहीं रह जाएगा, ठीक है। मैं सभी का कमेंट का जवाब कमेंट करके तो नहीं दे सकता ना, 100-200 कमेंट आ जाते हैं, इसलिए मैंने वीडियो बना दिया कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। रिजल्ट पेंडिंग शो हो रहा है क्या करें, जिनका भी रिजल्ट पेंडिंग शो हो रहा है ध्यान से सुनिएगा, जिनका भी रिजल्ट पेंडिंग शो हो रहा है, पेंडिंग का मतलब है रिजल्ट अभी अपलोड होना आप लोग का बाकी है, क्योंकि मैं पहले ही यहाँ पे न्यूज़ आ गया है कि 10 जुलाई तक सभी का रिजल्ट आएगा। तो पेंडिंग वाले टेंशन नहीं ले, उनका मार्क्स अभी न बढ़ा है न घटा है, स्कूटनी का परिणाम आप लोग का नहीं आया है। आप लोग का मार्क्स ऐड हो जाएगा तो वहाँ पर पता चलेगा आपके मार्क्स कितने बढ़े हैं या उतने ही रह गए। फिलहाल अभी तक राहत की ये बात है कि किसी के मार्क्स कम नहीं हुए हैं जैसा कि पिछले साल होता था। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट अवेटिंग का मतलब क्या है। रिजल्ट अवेटिंग का मतलब है रिजल्ट अभी आपका प्रतीक्षा में है, अभी कुछ दिन वेट कीजिए आप, आपका मार्क्स बढ़ जाएगा। तो रिजल्ट जिनका भी अवेटिंग आ रहा है वो श्योर हो जाए आपके मार्क्स बढ़ने वाले हैं और बिल्कुल डिप्रेस ना हो, ठीक है। कुछ दिनों का वेट करें, 10 जुलाई तक, 10 जुलाई से पहले सभी का मार्क्स बढ़ जाएगा, ठीक है। अवेटिंग वाले टेंशन ना लें। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर रिजल्ट नो चेंज का मतलब क्या है। रिजल्ट नो चेंज का मतलब है आपका रिजल्ट जैसा पहले था वैसा ही हो गया है। कहने का मतलब आपने जो स्कूटनी किया उसमें कोई ही मार्क्स आपके नहीं बढ़े हैं, आपका रिजल्ट आ चुका है, अब उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, ठीक है। तो नो चेंज वाले को टेंशन ना लें, आपके मार्क्स घटे तो नहीं है ना, ना बढ़े हैं ना घटे हैं, सेम तो हैं।
जिनके मार्क्स नहीं बढ़े हैं उनमें नो चेंज लिख रहा है। नो चेंज का मतलब है आपका परिणाम आ गया है, ठीक है। अगर आपके मार्क्स नहीं बढ़े हैं तो आप उदास ना हो, कंपार्टमेंट परीक्षा अभी बाकी है तो बिल्कुल उदास ना हो, लाइफ इतना छोटा नहीं है। बहुत लोग मरने की बात कर रहे हैं तो भाई इतनी छोटी छोटी बात पर लाइफ देने की बात करोगे, इससे बड़ा बड़ा आपको परेशानी अभी झेलना है लाइफ में, ये छोटी बात है। आपके सारे सवालों के जवाब मैं यहाँ पर दिया हूँ और यहाँ पर कैसे देखिए स्कूटनी पर नाम वो भी दिखाने जाना। और सबसे पहले आप लोग के कमेंट ले लेता हूँ, तो कमेंट नहीं लेता हूँ तो आप लोग गुस्सा हो जाते हो। सर मेरा मैथ में 50 नंबर बढ़ गया है, पहले 10 था, देखिए इनका 50 नंबर तक बढ़ा है और आपको ढेर सारी बधाइयाँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जो है सर, जिसका पिंटू बता रहा है उसका क्या हुआ रिजल्ट, वो क्या हुआ सर, क्या पूछ रहे हो भाई, नहीं समझ में आया। नेक्स्ट है ऋषि कुमार, ये 10th वाले पूछ रहे हैं, मेरा नंबर कुछ नहीं बदला है सर, अंकुर कुमार बोल रहे हैं। देखो नहीं बदला है तो अच्छी बात है, आप लोग का रिजल्ट आना बाकी है। अगर नो चेंज लिख रहा है तो रिजल्ट आना बाकी नहीं है, लेकिन कुछ नहीं लिख रहा है, जैसे का तैसे शो हो रहा है, तो इसका मतलब है आपका रिजल्ट आना बाकी है। आप ऑफिशियल साइट लगातार विजिट करते रहें पिछले 10 जुलाई तक, आगे की 10 जुलाई तक, ठीक है। उसके बाद बात करें नो फाउंड लिख रहे हैं, तो नो फाउंड वाले भी वही है, नो फाउंड का मतलब है अभी रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ है, अभी कुछ दिन वेट करें आप। मेरा नो चेंज करके आ रहा है भाई बढ़ा, नो चेंज का मतलब है आपके मार्क्स नहीं बढ़े हैं और आपके रिजल्ट आ गए हैं, आपके मार्क्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका जैसे पूर्ववत मार्क्स था उतना ही पे ही रह गया है, आपके मार्क्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है। निशा कुमारी बोल रही है मेरा 13 का 13 रह गया है। निशा जी आप घबराए नहीं, अगर आपका मार्क्स चेंज नहीं हुआ है इसका मतलब है आपको अभी स्कूटनी का रिजल्ट नहीं आया है। सभी का एक साथ नहीं आएगा, स्कूटनी धीरे धीरे बढ़ता है, जैसे मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है कि सभी का एक दिन एक ही टाइम में आ जाता है, वैसा स्कूटनी का परिणाम का रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है। किसी का एक मार्क्स बढ़ जाता है और उसके बाद दूसरे मार्क्स में लिखता है अवेटिंग, तो इसका मतलब है कि उनका दूसरा मार्क्स का अभी नहीं आया है। आगे बात करें मुकेश कुमार का, सर मेरा मैथ में 50 नंबर बढ़ गया है, पहले 10 नंबर था, तो आपको ढेर सारी बधाई हो। आगे है रमन मिश्रा, सर मेरा केमिस्ट्री में सिर्फ 1 नंबर बढ़ा है और कोई मार्क्स नहीं बढ़ा। हाँ कुछ लोग का 1 मार्क्स बढ़ा है। नेक्स्ट है सर मेरा नहीं बढ़ा है, नहीं बढ़ने वालों के पास अभी भी मौका है कि आपका मार्क्स बढ़ सकते हैं, बिल्कुल घबराए नहीं, ठीक है। जो अभी लाइव जुड़ रहे हैं उनके मैं बता दूँ कि पूरा जवाब मैं दे चुका हूँ, आप शुरू से एक बार सेशन ख़त्म हो जाएगा तो आप शुरू से पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। सर मेरा मार्क्स नहीं बढ़ा है ये पूछ रहे हैं, तो मेरा मार्क्स नहीं बढ़ा है, देखो बाबू आपका मार्क्स नहीं बढ़ा है तो आप बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके बोल रहे हैं सर मेरे मार्क्स नहीं बढ़े हैं, करीब 100 से ऊपर की संख्या में कमेंट बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। तो मैं अगर सभी का कमेंट का जवाब लूँ ना तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं 10 मिनट से ज़्यादा के वीडियो नहीं बनाता यहाँ पे। तो मेरा मार्क्स नहीं बढ़ा है तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि आपका मार्क्स नहीं बढ़ा है बाबू, तो आपका पास अभी मौका है, बिल्कुल टेंशन ना लें, ठीक है। आगे बोला जा रहा है, संजीव जी बोल रहे हैं, शेखर जी की बात कर लेते हैं, भाई मेरा चेक कर दो प्लीज़ रोल कोड। देखिए मैं बिल्कुल यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ, आप पूरा वीडियो देखोगे सबसे चेक होगा, ऐसा कोई नहीं कि चेक नहीं होगा, ठीक है। मैं लास्ट में वीडियो के लास्ट में मैं ऑफिशियल वेबसाइट को खोलकर दिखाऊंगा, तो बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखो, और लास्ट तक नहीं देखते इसीलिए टेंशन नहीं होता है। सर मेरा रिजल्ट बेटिंग दिखा रहा है, मेरा मार्क्स बढ़ेगा, बेटिंग वाले का बिल्कुल बढ़ेगा तो टेंशन ना लें, जिनका भी बेटिंग दिखा रहा है। सर मेरा मार्क्स इंग्लिश में 58 था और 58 ही है, और 47 में अवेटिंग लिख रहा है, अवेटिंग जिसमें लिख रहा है उसमें मार्क्स बढ़ेंगे और जिसमें कुछ नहीं लिख रहा है उनके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। वेटिंग वाले के मार्क्स बढ़ेंगे। मेरा केमिस्ट्री में 7 नंबर बढ़ा है, बिल्कुल चलिए अच्छी बात है कि आपके मार्क्स बढ़ गए हैं, ठीक है। आगे है, हेलो सर कौन सी वेबसाइट, बिल्कुल मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ वेबसाइट, और जिसका बढ़ा है उसका रोल नंबर और रोल कोड भेजे, ये क्या पूछ रहे हो, अपना देखो किस्सा कितना देख के क्या करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है नो चेंज लिख रहा है, नो चेंज वाले का मार्क्स नहीं बढ़ेगा, उनका रिजल्ट आ चुका है। सर मैथ में 19 है, नो चेंज बता रहा है, पेंडिंग लिख रहा है, पेंडिंग वाले का रिजल्ट आएगा, नो चेंज वाले का समझिए कि उतना ही मार्क्स रह जाएगा। नो चेंज लिख रहा है, आपका मार्क्स
नहीं बढ़ा है भाई, अब नहीं बढ़ पाएगा, मेरा मार्क्स नहीं बढ़ा है, तो नहीं बढ़ा है तो बिल्कुल बढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब यहाँ पे सीधे मैं ऑफिशियल साइट खोल के दिखा देता हूँ जो अभी देर से जुड़ रहे हैं, इसलिए मैं लास्ट में ऑफिशियल साइट खोलता हूँ कि जो भी देर से लाइव जुड़े वो ना छूट जाए, ठीक है। मैं फिर से यहाँ पर खोल के दिखा रहा हूँ, देखिए आपके जो ऑफिशियल साइट है उनका जो लिंक है वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है onlinebseb.in। तो आपको गूगल पर जाकर onlinebseb.in सर्च करना है, तो जैसे ही सर्च कीजिएगा आपका इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाएगा, ठीक है। इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पे मैं जूम कर रहा हूँ, एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन रिजल्ट लिंक वन और लिंक टू, ठीक है। तो जैसे ही लिंक वन पे जाइएगा, जो अभी रोल कोड रोल नंबर सेंड कर रहे थे, तो यहाँ देखिए जैसे इस पे जाइएगा बिल्कुल खुल रहा है, तो टेंशन नहीं लो, यहाँ पे रोल कोड डालना है, रोल नंबर डालना है और यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है, उसके बाद व्यू पे क्लिक करना है, आपके मार्क्स बढ़े या घटे हैं यहाँ पे शो हो जाएंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि हम स्क्रूटनी का डायरेक्ट परिणाम देखें तो बैक हो जाइए, और स्क्रूटनी का परिणाम डायरेक्ट देखना है, ठीक है। अगर आपको एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन नंबर याद है तो यहाँ से स्क्रूटनी रिजल्ट पर जाएँ और यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर दें, एप्लीकेशन नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर और लॉगिन कर दे, तो यहाँ से आपका जो स्क्रूटनी का डायरेक्ट परिणाम है वो दिख जाएगा। तो जिनको याद है वो स्क्रूटनी का परिणाम इसी तरीके से देखें, और जिनको याद नहीं है एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन नंबर वो लिंक वन जो पहले बताया था उस तरीके से देखें, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिनका नहीं बड़ा है प्लीज़ 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 कुछ भी गलत कदम नहीं उठाना, लाइफ बहुत बड़ा है, ठीक है। ऐसा छोटा दिल का मत बनो, बड़े दिल का बनो, हिम्मत वाले बनो, लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल है और आपको उस स्ट्रगल से आगे बढ़ के ही कुछ अच्छा करके दिखाना है। तो जो आपका बुरा हो गया है उसे एक सीख लो और बहुत अच्छा करने की आगे कोशिश करो, ठीक है। तो क्योंकि जो पेन अभी हो रहा है ना, उस पेन को मरने जीने में मत बिताओ, उस पेन को फील करो और उसमें इतनी मेहनत करो कि आगे वो आपको टॉपर तक बना सकती है, ठीक है। मैंने भी ये लाइफ में ये दौर देखा था, ठीक है, जब आप लोग की तरह क्लास 12th में था, तो वो पेन मैं फील कर सकता हूँ, लेकिन अब मैं बांट नहीं सकता, बस इतना बोल सकता हूँ कि आप पेशेंस रखें, एक साल वेट करें और बहुत परिश्रम करें, ठीक है। कोई नहीं आपको रोक सकता है टॉप होने से। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।